कहाँ से आ रही हो बेटा? मैं आमना के घर गई थी। ओह अच्छा। हाँ ये फराज हैं, हमारे हमसाए। फराज हमारे मेहमान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा अपना ही घर समझो। जी जी अपना ही घर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। राहत, ये फराज हैं हमारे हमसाए और आज हमारे मेहमान भी हैं। चाय तो बनाओ इनके लिए। चाय बनाओ। माम को बोलते हैं, वो पढ़ाई कर रही है। नहीं नहीं आंटी, चाय की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो तो अंकल ने फोर्स किया तो। क्यों नहीं जरूरत, पहली बार आए हो हमारे घर। बेटा चाय बनाओ, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। अरे फराज बैठो ना। जी अंकल, आपने बिला वजह मेरे लिए घर वालों को जहमत। अरे कैसी जहमत बेटा। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा हाथ धोकर आता हूँ। जी लगता है चाय बहुत गुस्से में बनाई है, इसकी रंगत बता रही। हाँ तो मत पियो ना। जरूर पियो। नखरे किस बात की दिखा रहे हो? आप हर वक्त गुस्सा करती हैं या मुझे देख के आपको गुस्सा आ जाता है? कुछ लोग होते ही गुस्से के काबिल। मेरा कसूर बता सकती हैं? चाय पियो, चलते बनो। ठीक है आप सारे मेहमानों को ऐसे ट्रीट करती हैं? तुम जैसे घर आए जबरदस्ती के मेहमान को चाय पिला दे रही हूँ और क्या करूँ? लेकिन बात मुस्कुरा कर प्यार से भी तो की जा सकती है। एक तो ये अब्बा भी ना, पता नहीं किस किस को उठा के घर ले आते हैं। किसकी बात करिए आप? फराज की और किसकी? फराज? कौन फराज? वही जो सफर चचा क्या नया किराएदार आया है। तुम्हें उसके बारे में इतनी मालूमात कैसे मिल गई? कई बार मुझसे टकराया है। यूनिवर्सिटी से आ रही थी, रिक्शे से उतरी तो टकरा गया। अभी आमना के घर से आ रही थी तो टकरा गया। अरे वाह, इतनी बार टकराओ? महज हुस्ने इत्तफाक है या फिर कुछ और? फजूल बातें मत करो। अच्छा कहाँ है वो? चला गया, अब्बा के साथ था, चाय पिलाई थी मैंने। तुमने उसको अपनी बदमजा चाय पिला दी? क्या मतलब बदमजा? जिंदगी में कभी अच्छी चाय नहीं बनाई, हिम्मत वाले होगा जो पी ली।